तो ये रेंज रोवर है। सो ये गाड़ी में ऑटोमेटिक गियर दिया हुआ, तो ये ऑटोमेटिक गियर कैसे ऑपरेट होता है, इसको कैसे चलाने का है, ये वीडियो में सारा आपको ए टू जेड बताऊंगा। तो इसका जो चाबी है, कुछ इस तरीके का रिमोट वाला चाबी आप देख सकते हैं, रेंज रोवर। तो ये जैगवार इसका सेमी सिस्टम है। तो चाबी को भी मैं रख देता हूँ इधर। और तो सबसे पहले मैं इग्निशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा मैं आगे लेता हूँ। ये स्टार्ट और स्टॉप बटन दिया है, स्टार्ट इंजन है, स्टॉप इंजन। तो उससे पहले मैं ये ब्रेक पैडल दबाऊंगा, ब्रेक पैडल को मैं करूँगा प्रेस। सो अभी मैं इसको दबाऊंगा, ये दबाने के बाद ये इसका ये जो गेयर लीवर ये बाहर आएगा, तो मैं इसको स्टार्ट, तो चलो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो इसको मैं स्टार्ट किया, गाड़ी हुई स्टार्ट और ये आ गया ऊपर। तो ऑटोमेटिक जितना गेयर है, सिर्फ यही नहीं, तो सिर्फ सबका अलग अलग लीवर देते हैं। मर्सिडीज़ में यहाँ देते हैं और 204 में यहाँ लीवर आता है, BMW में भी यहीं पे ही आता है। बट सबका ये जो लीवर है ना, लीवर सबका अलग अलग देता है। बट ये जो ड्राइव का सिस्टम है ना, PRNDS, ये सबका सेम रहता है। कौन सी भी गाड़ी हो, कितनी भी स्पोर्ट कार हो, फरारी क्यों ना हो, रोल्स रॉय क्यों ना हो, सबका जो जितना सिस्टम है सबका एक ही है, PRNDS। बहुत सा रहेगा, एस प्लस रहेगा, एम मोड रहेगा, एन रहेगा, ये सब बट वो सब यहाँ बटन पे नहीं देते हैं। वो सब जो मोड देगा यहाँ क्लस्टर मीटर पे, फिर उसका अलग से सेटिंग रहती है स्पोर्ट मोड में चलाने के लिए, ज़्यादा पावर के लिए। तो अभी मैं ये वीडियो में सिर्फ इतना बताऊँगा कि ऑटोमेटिक कैसे चलाने का। तो अभी तो जैसे कि इंजन स्टार्ट है, तो सबसे पहले ब्रेक पे पैर रखने का, क्योंकि जब ही हम ब्रेक पे पैर रखेंगे तभी ये इसका जो गियर है ना ये इंगेज होगा, ये ऑपरेट होगा। तो अभी पी से ये आर है, ये आर जो इसका रिवर्स है, सो अभी मैं इसको रिवर्स में डालता हूँ। तो मैं रिवर्स में डाला हूँ, अभी देखो गाड़ी रिवर्स जाएगी, ये रिवर्स गया। ये एन है, ये न्यूट्रल पोजीशन पे है, मतलब इस पे ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, किधर भी नहीं जाएगी, ये न्यूट्रल। जैसे कि एक मैनुअल गियर में न्यूट्रल रहता है, तो यही इसमें भी ये सेम है। पी का जो है ये पार्किंग में ऑटोमेटिक लग जाता है। जैसे कि ये पी है, पी में गाड़ी आगे पीछे नहीं होती, ये गियर इसका लॉक हो जाता है, बस ये पी का है, ये मतलब है। और इसका ये जो डी है, डी में ये ड्राइव मोड हो गया, फिर मतलब कोई भी गियर अपने को इंगेज करने के लिए ब्रेक पैडल प्रेस करना ही रहता है। ब्रेक पैडल प्रेस करेंगे तभी ये होगा, ऐसा नहीं कि बिना ब्रेक पैडल प्रेस किए हुए हम गियर डाल दें। सो जाता भी है, ऐसा नहीं है, ब्रेक पैडल किए जाएगा गियर, लेकिन उसमें क्या थोड़ा रिस्क रहता है, गाड़ी झटके से उठ जाती है। और ब्रेक पे क्या रहेगा, फिर तुम इजीली गाड़ी को बढ़ा सकते हो स्लोली स्लोली। सो चलो अभी मैं इसको डाला हूँ डी में, तो मैं ब्रेक पैडल दबा के ही रखा हूँ, क्योंकि नहीं तो क्या रहता है, गाड़ी एक अचानक से उठ जाती है। तो अभी डी में मैं डाला हूँ गाड़ी, तो ये डी में अभी जा रही है आगे। और ये जो एस मोड हो गया, ये इसका स्पोर्ट मोड है, जैसे कि हाईवे वाईवे पे चलाते हैं तो भाई। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं अरे ऑटोमेटिक सबका अलग अलग रहता है, नहीं कोई भी गाड़ी का अलग नहीं रहता, सबका सेम रहता है, सबका एक ही प्रोसीजर रहता है, सबका चलाने का सेम प्रोसीजर, बस फ़र्क इतना रहता है हर कंपनी अपना डिज़ाइन अलग अलग देता है, सबका डिज़ाइन अलग अलग रहता है। तो कोई यहाँ पे देता है, किसी का यहाँ लीवर वाला आता है, सब हर कंपनी के अलग अलग। बट ये जो वैल्यूमर वाला सिस्टम सिर्फ रेंज रोवर और जैगवार में, और रेनॉल्ट का भी एक दो गाड़ी में, जैसे के वीडियो हुआ, सबका अलग अलग सिस्टम रहता है देने का, अलग अलग डिज़ाइन रहता है बनाने का। तो ये डिज़ाइन तो मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि ये जब गाड़ी बंद करेंगे ऑटोमेटिक ही अंदर चला जाता है। और अभी मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट, तो आप देख सकते हैं आ गया। तो कभी भी ये गियर जब जब भी आप इंगेज करना, तो कभी भी ब्रेक पैडल दबा के प्रेस करके ही करना, ये इसका ब्रेक पैडल है, क्योंकि इससे जो है गाड़ी इजीली बढ़ती है। और नहीं भी दबाएंगे तो भी मतलब गाड़ी आगे मूव करेगी, लेकिन उसमें क्या रिस्क है, कभी कभी गाड़ी एक अचानक से झटके से बढ़ जाती है, तो उसमें कभी भी एक्सीडेंट या आगे कुछ भी बाइक रहे या कोई आदमी भी रहे, कुछ भी आगे रहेगा तो उसमें मतलब क्या आगे पीछे ठुकने का चांस रहता है। तो कभी भी आप ड्राइव करें, गियर इंगेज करें, तो ब्रेक पैडल को प्रेस करके ही करें। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।